एवरीवन, मेरा नाम है प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 3 के लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या, लॉ यूज होता है, यूनिट क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा था, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस कोई नई चीज नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स सेमेस्टर 4 जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हो, जिसके अंदर दो मेथड आप लोग यूज करते थे, रेले मेथड एंड बकिंगहम्स पाई थ्योरम। बकिंगहम्स पाई थ्योरम और रेले मेथड दोनों के दोनों हम लोग यूज करते थे डायमेंशनल एनालिसिस में फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ठीक है, एक टेक्निकल मेथड है जिसके वे पर हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे इस चैप्टर नंबर 3 कन्वेक्शन के अंदर। अगर हीट ट्रांसफर में बकिंगहम्स पाई थ्योरम यूज करना है तो कैसे करोगे? रेले मेथड यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता दो, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है। डायमेंशन, इस टर्मिनोलॉजी को समझो, डायमेंशनल, डायमेंशनल टर्म आया है डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स व्हाट? जनरली जियोमेट्री की भाषा में अगर आप डायमेंशन गिनो तो आप बोल सकते हो द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ, द मेजरमेंट ऑफ द हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। जिसको नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में या गुजराती भाषा में बोले या हिंदी भाषा में बोले तो माप, किसी भी चीज का माप, किसी भी चीज का मेजरमेंट। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास में जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू योर फॉर्मूला, विथ रिस्पेक्ट टू योर मैटर एंड सब्सटेंस, उन प्रॉपर्टी का डायमेंशन क्या हो रहा है। डायमेंशन मतलब उन प्रॉपर्टी के यूनिट क्या हो रहा है, और उन यूनिट के बेस पर हम लोग हमारे फॉर्मूला को डिराइव करके चलेंगे कि कैसे ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है, वो हमारे लिए हमारा बेसिक फंडा। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये मतलब होता है। डायमेंशनल एनालिसिस आपको मैंने बोला कि रेले मेथड और बकिंगहम्स पाई थ्योरम दो तरीके से होती है। हमारे लिए बकिंगहम्स पाई थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बकिंगहम्स पाई थ्योरम को मीनिंग समझा दूं कि बकिंगहम्स पाई थ्योरम बेसिकली क्या है। बकिंगहम साइंटिस्ट का नाम था, रिसर्चर थे, उन्होंने डेफिनेशन को जिस तरह से दे दी कि अगर इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स, अगर आपकी इक्वेशन के अंदर मतलब कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर रिलेशन के बीच में अगर उन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर एन नंबर ऑफ वेरिएबल है, देन जो फंडामेंटल वेरिएबल्स होंगे, फंडामेंटल वेरिएबल्स टोटल 7 ऐसा यूनिट है, आप लोगों को ऐसे यूनिट्स पता ही होंगे, आप लोगों ने ऐसे यूनिट्स पढ़े हुए हैं। तो ये जो फंडामेंटल वेरिएबल्स है, इन फंडामेंटल वेरिएबल्स को टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से सब्सट्रैक्ट करो और फाइनल इक्वेशन जो बन रहा है, दैट इक्वेशन इज नोन एज द पाई इक्वेशन। फिर से एक बार, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इनटू द इक्वेशन एंड एन नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स आर देयर इनटू द इक्वेशन, देन द नंबर ऑफ पाई इक्वेशन विल बी इक्वल टू एन माइनस एन। एन माइनस एन मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई इक्वेशन। ये हमारा बकिंगहम पाई थ्योरम का डेफिनेशन था। इसका मतलब ये होगा, एक सिंपल एग्जांपल के साथ देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी वो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। वेलोसिटी जो होगी वो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए हो जाएगी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, और ये वेलोसिटी हो जाएगी आपके लिए डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अभी बकिंगहम पाई थ्योरम के अंदर आप देखो तो हमारे लिए वैल्यू भी इस तरह से थी, दैट एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, और एम आपके लिए था फंडामेंटल वेरिएबल।
फंडामेंटल वेरिएबल मतलब ऐसा ही है, हाथों के साथ लेकर के नहीं चलना। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तीन फंडामेंटल वेरिएबल लेकर के चलते थे और इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाते थे, मास, लेंथ एंड टाइम, इसके बेस पर, इसके बेस पर हम लोग हमारे बकिंगहम पाई थ्योरम को सॉल्व करते थे इन फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। कन्वेक्शन के अंदर हम लोग चार प्रॉपर्टी लेंगे, मैं बकिंगहम के स्टेप्स के अंदर आपको समझाऊंगा। तो एम यहां पर आपके लिए हो जाएगा फंडामेंटल वेरिएबल्स, जनरली तीन है, हम लोगों को तीन कंसीडर करके चलना है। लेट्स से दैट वहां पर एम, सॉरी यहां पर एम फंडामेंटल वेरिएबल आप लोगों के लिए हो जाएगा एन 3, एम विल बी 3 और एन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब b = d/d। एक एग्जांपल इसीलिए यहां पर भी तीन आया, तीन ही के तीन कंसीडर करते हो, तीन लेट्स से, ठीक है। मास को अगर आप नहीं कंसीडर कर रहे हो, होता है तीन अगर आपके पास टोटल वेरिएबल है तो लेंथ एंड टाइम जो रिक्वायर्ड वैल्यू है इसी को लेकर के चला जाता है, यहां पर मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स से दैट योर टोटल फंडामेंटल वेरिएबल फॉर दिस इक्वेशन ओनली इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या, तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का समेशन 1, 2 एंड 3। यहां पर आपके लिए हो जाएगा n = 3 इस तरह से। ये n माइनस n करोगे तो आपको पाई मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ पाई मिलेंगे n माइनस n। यहां पर n आपके पास टोटल 3, n आपके पास 2, 3 माइनस 2 मतलब के 1। नहीं समझ में आ रहा है चिंता मत करो, स्टेप्स के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बेस पर हम लोग पाई इक्वेशंस बनाएंगे, हम लोग नंबर ऑफ पाई इक्वेशंस डिराइव करेंगे और हमारा फाइनल इक्वेशन हम लोग लेकर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को स्टेप्स समझा रहा हूं बकिंगहम पाई थ्योरम के, वेरियस स्टेप्स, थ्योरी कभी नहीं आएगी, ये थ्योरी स्टेप्स आपको कभी नहीं पूछेंगे, ये बेसिक फंडा है। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग दो दूसरी थ्योरी सॉल्व करेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन उसका फार्मूला क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन उसका फार्मूला क्या है, और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बकिंगहम पाई थ्योरम। तो मैं पहले आपको स्टेप समझा दूं, स्टेप अगर आपको समझ में आ गए तो आप इजीली नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन की वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे, डिराइव कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं बकिंगहम पाई थ्योरम। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये होगा टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल आपके इक्वेशन में है वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव टू फाइंड। जैसा कि मैंने आपको ये v = d/t वाले स्टेप में समझाया था, वही चीज हमारे पहले स्टेप के अंदर है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि फंडामेंटल वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, और उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ पाई इक्वेशन कितनी बनेगी। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसके बेस पर, n और i के बेस पर। n हमारे लिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का समेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक से ज्यादा होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वैल्यू एक ही होगी, कोई भी फॉर्मूला ले लो, जैसे मैंने v = d/t बोला था, ठीक है, v = d/t क्या हो गया, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, समझ में आ रहा है। सेम मैनर ये एक और फॉर्मूला है जो हम लोग डिराइव करेंगे, नसेल्ट नंबर, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू hb/k, h मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, d इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड k इज द थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास में मोर देन 1 है। सिंपल भाषा नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा सिंगल होगा और राइट हैंड साइड जिसके बेस पर आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, ठीक है, उसी के बेस पर हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल एन और एम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, लेट्स से दैट कि आपके पास में फोर्स कन्वेक्शन है और फोर्स कन्वेक्शन में आप लोगों को ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि नसेल्ट नंबर इज 5, 5 मतलब फंक्शन ऑफ, नसेल्ट नंबर इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्ल नंबर, नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्ल नंबर, ये हम लोगों को डिफाइन करना है। आप लोगों को इसी तरह से थ्योरी आएगी फोर्स कन्वेक्शन में, नेचुरल कन्वेक्शन में लिखा नहीं होगा, सीधा ये फॉर्मूला दे देंगे, इसके बेस पर आपको पता चलना चाहिए कि नेचुरल कन्वेक्शन है कि फोर्स कन्वेक्शन है। आपको करना क्या है, आपको नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला लिखना है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लिखना है, प्रांड्ल नंबर का फॉर्मूला लिखना है। कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये तीन इक्वेशन आ रहा है, ये तीनों के तीन वही है, ये फाइनल इक्वेशन है, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा हुआ,
ये तीनों के तीन वही है, रो वीडी अपॉन म्यू मतलब क्या आपका रेनॉल्ड नंबर, म्यू सीपी अपॉन के मतलब क्या आपका प्रांड्ल नंबर, एचडी अपॉन के मतलब क्या आपका नसेल्ट नंबर, जो हम लोग को डिराइव करना है। आपको यही चीज करनी है, आपको जो इक्वेशन दिया है उसके फॉर्मूला लिखो, इन फॉर्मूला के बेस पर समझो कि कितने वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि रो वी डी एंड म्यू, ये चारों के चार, पहला है मतलब चार वेरिएबल हो गए, नेक्स्ट म्यू, म्यू तो आ चुका है मतलब म्यू को नहीं मिलेंगे, चार के चार टोटल वेरिएबल है, सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रिपीट नहीं हुआ मतलब इसको काउंट करेंगे, पांच वेरिएबल हुए, के थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है फिर से इसको काउंट करेंगे, सिक्स वेरिएबल, एच कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं आया उसको काउंट करेंगे मतलब सेवन वेरिएबल्स, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब आ चुका है, के थर्मल कंडक्टिविटी आ चुका है, मतलब रिपीटेड जो हो रहा है आपके फॉर्मूला के अंदर उसको हम लोगों को नहीं गिनना है, एक ही बार काउंट करना है, तो टोटल वेरिएबल आपके सात हो गए, मतलब यू हैव द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 7, इसके बेस पर करेंगे। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, आप कन्वेक्शन प्रोसेस कर रहे हो इस इक्वेशन के अंदर, देखो आप कन्वेक्शन प्रोसेस कर रहे हो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं डिफाइन करोगे, आपको डिफाइन करना है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब जहां पर भी आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ रहा है उसको आपको सब्जेक्ट हेड बनाना है, जैसे कि यहां पर HB by K मतलब के जो नसेल्ट नंबर है, इस नसेल्ट नंबर को हम लोग सब्जेक्ट हेड बना करके चलेंगे, एंड दैट विल बी द फंक्शन ऑफ रो वी डी अपॉन म्यू मतलब के रेनॉल्ड नंबर, म्यू सी पी अपॉन के मतलब के आपका प्रांड्ल नंबर, मतलब क्या हुआ, H को सब्जेक्ट हेड बनाओ, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि कन्वेक्शन है, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी के सारे आप लोगों के लिए हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए छह, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एन विल बी इक्वल टू 7, दिस इज योर आंसर, एन इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल। आई होप के एन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। एन इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग तीन प्रॉपर्टी लेते थे, मास लेंथ एंड टाइम, तीन बेसिक फंडा, क्योंकि उससे ज्यादा हम लोगों को जरूरत नहीं थी। अभी कन्वेक्शन प्रोसेस आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर चौथी प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज थीटा, एमएलटी एंड थीटा, मतलब फंडामेंटल वेरिएबल जो होंगे वो यहां पर हो जाएंगे चार, एंड इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स और फंडामेंटल वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, मिस्टेक मैंने लिख दिया है, एम विल बी इक्वल टू योर फंडामेंटल वेरिएबल्स। फंडामेंटल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल वेरिएबल का मतलब होता है बेसिक वेरिएबल के जिसके बेस पर दूसरे सारे यूनिट डिराइव किए गए, जैसे कि डायमीटर डी, डायमीटर डी उसका यूनिट अब आप बनाओ तो बनेगा मीटर या सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, एल लेंथ, मीटर सेंटीमीटर वन टाइप ऑफ लेंथ है, मतलब कि यहां पे फंडामेंटल यूनिट हो, ये फंडामेंटल यूनिट के बेस पर हम लोग दूसरे यूनिट बना रहे हैं, जैसे कि एच डी अपॉन के पूरा का पूरा, रो वी डी अपॉन म्यू पूरा का पूरा, लाइक ये पूरा फंडामेंटल वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये खाली डायमीटर डी इज ऑनली योर फंडामेंटल वेरिएबल, तो एमएलटी थीटा विल बी योर फंडामेंटल वेरिएबल्स चार, क्यों, क्योंकि आपके पास में मास है, लेंथ है, टाइम है और थर्मल प्रॉपर्टी, ये चार प्रॉपर्टी हम लोग कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस है इसीलिए। पहला स्टेप टू फाइंड नंबर ऑफ वेरिएबल, हम लोगों ने वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट टू फाइंड नंबर ऑफ पाई इक्वेशन, पाई इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने यहाँ पर आपको समझाया था बिल्कुल उसी तरह से, पाई विल बी फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एन माइनस एन एम इक्वेशन, हमारे पास में इक्वेशन है n माइनस m, n टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे कि मैंने यहां बताया था, m टोटल फंडामेंटल वेरिएबल्स जो कि फिक्स वैल्यू है, यहां पर हमारे लिए फिक्स वैल्यू हो जाएगी 4, m इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो करना क्या है कि m की वैल्यू तो 4 फिक्स है, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है n, और n आपको फाइंड आउट करना है ये समेशन कि आपके पूरे इक्वेशन में टोटल वेरिएबल कितने हैं, जैसे कि ये फोर्स कन्वेक्शन का फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, योर n इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू
तो आपकी टोटल पाई इक्वेशन कितनी बनी? फोर फोर्स कन्वेक्शन, दैट इज क्लियर. टोटल नंबर ऑफ पाई इक्वेशन विल बी, मतलब कि आपका फंक्शन बनेगा कुछ इस तरह से, दैट फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3. ये डेस्टेस इसीलिए बताया क्योंकि जितनी पाई इक्वेशन आएगी वो यहां पर आएगी. ठीक है, अगर पाई 3 तक है, पाई 3 इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप, पाई 1 पाई 2 पाई 3 ये पता तो चल गया कि सिर्फ तीन ही पाई इक्वेशन आ रही है, लेकिन इक्वेशन के अंदर वैल्यू क्या रखनी है, उस वैल्यू को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उस मेथड को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ रिपीटेटिंग वेरिएबल. वेरिएबल का सिलेक्शन करना, वेरिएबल के सिलेक्शन की चार मेथड है, चार. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने तीन मेथड के बारे में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. पहला ज्योमेट्री प्रॉपर्टी, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टी, तीसरा फ्लूइड प्रॉपर्टी. ये तीन प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर रिपीटेटिंग वेरिएबल का सिलेक्शन करते थे. यहां पर आप लोगों के पास में फंडामेंटल वेरिएबल चार है, चार फंडामेंटल वेरिएबल है तो चार रिपीटेटिंग वेरिएबल होंगे. तीन फंडामेंटल वेरिएबल थे तो तीन रिपीटेटिंग वेरिएबल आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. यहाँ हीट ट्रांसफर में चार फंडामेंटल वेरिएबल है, हम लोग चार रिपीटेटिंग वेरिएबल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेक्शन. सेम प्रोसीजर सेम है. पहला जियोमेट्री प्रॉपर्टी, आप लोगों को आपके इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल दिए उसके अंदर जियोमेट्री प्रॉपर्टी जो भी दी हो उसको आप रिपीटेटिव वेरिएबल में ले लो. रिपीटेटिव वेरिएबल में जियोमेट्री प्रॉपर्टी, जियोमेट्री प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, तो लेट्स से डायमीटर, लेंथ, वेट, हाइट एक्सेट्रा, कुछ भी आप लोग कुछ भी ले सकते हो, एरिया, वॉल्यूम. ठीक है, ये आपको आपकी जियोमेट्री प्रॉपर्टी होगी. अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स में है उसको आप रिपीटेटिंग एज ए रिपीटेटिंग वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो. सेकेंड प्रॉपर्टी फ्लो प्रॉपर्टी. फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेटर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर ये चार पांच प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी आपके फॉर्मूला के अंदर हो तो उसको आप सिलेक्ट करोगे रिपीटेटिंग वेरिएबल के तौर पर. जैसे कि बी, ये v यहाँ पर है वेलोसिटी, ये आप लोगों के लिए रिपीटेटिंग वेरिएबल हो जाएगा. डी डायमीटर है तो आप लोगों के लिए रिपीटेटिंग वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट नंबर थ्री, फ्लूइड प्रॉपर्टी. फ्लूइड प्रॉपर्टीज का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ओनली विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसी जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज थी डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सारे के सारे फ्लूइड प्रॉपर्टीज. अगर उनमें से कोई वैल्यू आपके इक्वेशन के अंदर दी है, दी होगी और दी ही होगी, डेफिनेटली होगी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आपके इक्वेशन में है, तो आप लोगों के लिए तीसरे नंबर की रिपीटेटिंग वैल्यू बन जाएगी. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. मतलब के थर्मोडायनेमिक के अंदर हम लोग ले लेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल. ठीक है, हम दोनों में से जो भी वैल्यू दी गई हो उसको रिपीटेटिंग वैल्यू. एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ना उसको कभी भी रिपीटेटिंग वेरिएबल में मत रखो. जैसे कि इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारे लिए एच की वैल्यू इंपॉर्टेंट है और एच आप लोगों की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो एच को कभी भी रिपीटेटिंग वेरिएबल में सिलेक्ट मत करो, वरना एच क्या होगा, तीनों तीन इक्वेशन में आएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सामने आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी ले लो, रिपीटेटिंग में चलेगा. ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर थ्री था कि हम लोग कौन सा रिपीटेटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे. तो ये चार प्रॉपर्टी के बेस पर सिलेक्ट करेंगे, जियोमेट्रिक, फ्लो, फ्लूइड एंड थर्मोडायनेमिक या थर्मल प्रॉपर्टीज के बेस पर. नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर, पाई इक्वेशन कैसे बनाना है. पाई इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, जितनी पाई इक्वेशन आपके पास में आ रही है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर देखे, फोर्स कन्वेक्शन के अंदर देखे, तो हमारे पास में तीन पाई इक्वेशन थी, फंक्शन 1 इज इक्वल टू पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0, मतलब तीन पाई इक्वेशन थी. तो ये तीनों तीन पाई को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू चार रिपीटेटिंग वेरिएबल है. रिपीटेटिंग वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि वो सारे वेरिएबल आपके तीनों तीन पाई इक्वेशन में रिपीट होंगे, तीनों तीन पाई इक्वेशन में रिपीट होंगे. कैसे, ये सात वेरिएबल है हमारे पास,
इन सात में से चार का हम लोग इसके बेस पर सिलेक्शन करेंगे। मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, इन सात में से ये चार प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, वैल्यू हम लोग रिपीट करेंगे। जैसे कि पाई वन इक्वेशन ए मतलब मान लो कि जियोमेट्री प्रॉपर्टी है। जियोमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बनेगा, डायमीटर आप देख सकते हो, लेट्स से दैट योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। यहाँ पर वेलोसिटी आपको दी है v, फ्लो वेलोसिटी, लेट्स से दैट दिस इज योर नेक्स्ट सी फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी में आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डायनेमेटिक विस्कोसिटी दी है, स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट प्रेशर यहां पर नहीं आएगा, सॉरी, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर विल बी योर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो आपके पास में डेंसिटी है, डायनेमेटिक विस्कोसिटी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। हम लोग ले लेते हैं डेंसिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, आपके पास में स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर है, थर्मल कंडक्टिविटी है और एचबी। मैंने पहले ही बोला था जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको रिपीटेटिव वेरिएबल में नहीं लेना है। तो आपके पास बचे क्या, दो ऑप्शन सीपी एंड के, हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी ले लेते हैं, नेक्स्ट से दे। तो आपके चारों चार वेरिएबल सिलेक्ट हो गए। फिर से एक बार जियोमेट्री प्रॉपर्टी के बेस पर डायमीटर आ गया, फ्लो प्रॉपर्टी के बेस पर वेलोसिटी आ गया इक्वेशन पर से, फ्लूइड प्रॉपर्टी के बेस पर डेंसिटी आ गई आपकी प्रॉपर्टी, एंड द फाइनल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या थर्मल प्रॉपर्टी के बेस पर मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो चार वेरिएबल है, ये चारों चार वेरिएबल हम हमारे तीनों पाई इक्वेशन में लिखेंगे लाइक दिस, बी बी रो और इतना याद रखो कि जो रिपीटेटिंग वेरिएबल है ना, वही वेरिएबल की पावर आपको देनी है, सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स की पावर आपको देनी है, ये याद रखना, सिर्फ रिपीटेटिंग वेरिएबल्स की पावर आपको देनी है, बाकी नहीं। क्यों, क्योंकि यही वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और यही हमारा आंसर बनता है। अब हम लोगों ने चार वेरिएबल तो ले लिए लेकिन टोटल वेरिएबल तो सात थे, तो तीन वेरिएबल बचे। अभी इसको यहाँ पर टैली करो, आपकी पाई इक्वेशन कितनी है, टोटल तीन, सात में से चार वेरिएबल आ गए, बाकी के कितने वेरिएबल बचे, तीन। तो क्या करो, जो तीन वेरिएबल बचे हैं उन तीनों तीन वेरिएबल को आपकी पाई इक्वेशन पर टर्न बाय टर्न अरेंज कर दो। जैसे कि यहाँ पर एच बचा था, तो पहली इक्वेशन में लेट से देखो वही इट इज एच, दूसरा हमारे पास म्यू बचा था तो दूसरी पाई इक्वेशन में यहाँ पे लिख दो म्यू, और तीसरा स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर बचा था, लेट्स से दैट स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट, जो नॉन, ये तीनों तीन वेरिएबल आपके हो जाएंगे नॉन रिपीटेटिंग, मतलब कि ये रिपीट होने वाले नहीं। और जो नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल है उसकी कोई पावर आपको नहीं है, इट विल बी एज इट इज, हम लोग उसको एज इट इज, ठीक है। तो ये बनेगा आपका पाई इक्वेशन, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतने स्टेप्स आपको ध्यान में। पाई इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों को पाई इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। एक चीज ध्यान रखना, योर पाई इक्वेशन विल नेवर हैव एनी डायमेंशन, इट इज योर डायमेंशनलेस टर्म, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, कितने भी पाई आए, सारे के सारे पाई जो होंगे दिस पाई विल बी योर डायमेंशनलेस टर्म। डायमेंशन लेस का मतलब आपको पता है, जिसका कोई यूनिट नहीं है, जिसका कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका m, l, t और थीटा जीरो पावर में, लेकिन सामने आप लोगों को जो प्रॉपर्टी मिल रही है, ये सारी प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू तो बनेगी। जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सॉल्व करते थे, जो मैं आप लोगों को फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन की थियरी में सॉल्व करके बताना पड़ता है। क्या करो, पाई इक्वेशन सॉल्व करो, पहले पहली पाई इक्वेशन लो, दोनों साइड इस तरह से डायमेंशन नंबर रखो, पावर को सॉल्व करो, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की और d1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, जस्ट लाइक दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a2, b2, c2, d2, आपको पाई टू मिलेगा, जस्ट लाइक दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a3, b3, c3, d3, आपको पाई थ्री की वैल्यू मिलेगी। और ये पाई वन, पाई टू, पाई थ्री जो मिल रहा है, ये तीनों तीन पाई आप लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर वन में, आपका स्टेप नंबर सिक्स।
जो भी पाई वन पाई टू पाई थ्री की वैल्यू मिली वो सारी वैल्यू रखेंगे हम लोग हमारे इक्वेशन नंबर वन में ओवर इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. जब आप लोग वैल्यू रखोगे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आपका बनेगा इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से बनेगा दैट फंक्शन ऑफ पाई वन लेट्स से दैट पाई वन था हमारा रो वीडी अपॉन व्यू पाई टू म्यू सी पी अपॉन के पाई थ्री एच डी अपॉन के इज इक्वल टू जीरो. अभी सॉल्यूशन नहीं आया अब क्या करना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारे लिए मेन फंक्शन था डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एच है लेकिन यहाँ पर हमको एच से मतलब नहीं है हमको मतलब है डायमेंशनलेस नंबर से. ये डायमेंशनलेस नंबर के इक्वेशन यहाँ पर दिए गए जैसे कि रो वीडी अपॉन म्यू मतलब के रेनॉल्ड नंबर म्यू सी पी अपॉन के मतलब प्रांड्ल नंबर और एच डी अपॉन के मतलब के नसेल्ड नंबर जो हम लोगों को चाहिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नसेल्ड नंबर एच डी अपॉन के. इस एच डी अपॉन के को इक्वल टू के उससे ले लो ध्यान रखना ये प्लस माइनस नहीं है तो इसको नेगेटिव मत करना ये फंक्शन के फॉर्म में रिलेटेड टर्म है एक दूसरे से रिलेट करता है इसलिए इसको माइनस मत कर देना. एच डी अपॉन के को सामने ले जाओ इज इक्वल टू अब ये पूरा का पूरा फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब फंक्शन हो जाएगा दैट नसेल्ड नंबर इज फंक्शन ऑफ रो वी डी अपॉन म्यू मतलब रेनॉल्ड नंबर म्यू सी पी अपॉन के मतलब जबकि नसेल्ड नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर. तो ये बेसिक फंडा था बकिंघम्स पाई थ्योरम सॉल्व करने का ये थियरी के स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने क्योंकि क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग दो थियरी करेंगे फोर्स कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन की और यही स्टेप्स के बेस पर हम लोग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे. तो थियरी ध्यान से पढ़ना स्टेप समझना अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो मुझसे क्वेश्चन जरूर करिएगा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कोई क्वेश्चन तो पूछेगा. थैंक यू सो मच.